सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं कार स्पा पटना, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कार डिटेलिंग स्टोर है अपने पटना में। और पीछे आप लोग देख पा रहे हो लैंड रोवर डिफेंडर। आज हम लोग बात करने वाले इसके सारे फीचर फंक्शंस के बारे में, क्या प्राइसिंग आती है, क्या माइलेज रहने वाला है, कितने सारे इंजन के ऑप्शन आते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आपको लैंड रोवर का बैजिंग मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको काफी सारे बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक, उसके बाद फिर बूट ओपनिंग के लिए, बाकी लाइट के लिए, हजार्ड लाइट के लिए काफी सारे स्विचेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और अगर हम लोग इसके लुक के बारे में बात करें तो सबसे एग्रेसिव इसका फ्रंट लुक है गाइस। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ इसके हेडलाइट का कवर मिलता है, साथ के साथ यहाँ पे एक आपको राउंड शेप का काफी बड़ा सा एक DRL मिल जाता है। अभी मैं एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ। कुछ इस तरीके से कार को हमने अनलॉक किया, तो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट्स मिल जाते हैं, साथ के साथ ये अपना राउंड शेप में यहाँ पे आपको एक DRL मिल जाता है, उसी के साथ काफी बड़ा सा एक हाई प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्टर LED लाइट सेटअप मिल जाता है। बाकी नीचे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉग लाइट मिल जाता है, ये भी व्हाइट LED प्रोजेक्टर सेटअप रहने वाला है। काफी सारे एयर वेंट्स आपको मिल जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी SUV कार है भाई, तो इसकी जो इंजन की हीटिंग है वो भी काफी ज्यादा रहने वाली है, और इसको देखते हुए कंपनी ने इसमें काफी सारे एयर वेंट्स दे रखे हैं। लैंड रोवर का बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक 3D लोगो डिफेंडर का मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक पार्किंग कैमरा मिल जाता है, बम्पर में आपको काफी सारे पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। मेरा जो हाइट है ना वो ऑलमोस्ट 6 feet है भाई, और उसके बाद देखो ये मेरे कंधे तक आ रही है कार, तो हाइट समझ सकते हो कितना ज्यादा इस कार का। और इसमें एयरमेटिक सस्पेंशन भी मिलता है, तो आप इसके हाइट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो सिंगल प्रेस में मैंने बोनट को ओपन कर दिया, ये देखो काफी बड़ा एक मैसिव सा इंजन मिल जाता है। लैंड रोवर का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है, इंजीनियम का यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बैजिंग मिल जाता है, और काफी साफ सुथरा इंजन मिल जाता है आपको। ये इंजन भी रहने वाला है, यहाँ पे आपको एयर इनटेक सिस्टम मिल जाता है, साथ के साथ यहाँ पे कूलेंट बॉक्स मिल जाता है, काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे हो काफी बड़ा सा बोनट है, और यहाँ पे आपको स्टड्स मिल जाते हैं, साथ के साथ यहाँ पे आपको एक इंसुलेशन भी मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो इंजन का नॉइज है ना वो आपके केबिन तक नहीं पहुंचता है। इस कार में आपको 3-4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक आपको इसमें 90 मिलता है, 110 मिलता है, 130 मिलता है। अगर हम लोग इंजन के बारे में बात करें तो आपको इसमें पेट्रोल डीजल एंड हाइब्रिड 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं डिफेंडर के साथ। अब हम लोग इसके बोनेट को गिरा देते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाता है। और अगर आप लोग क्वेश्चन करने वाले हो कि वाइपर वॉशर नहीं दिख रहा है, तो मैं बता दूं कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की SUV है, तो इसमें अपना जो वॉशर है वो यहाँ पे रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे वाइपर में ही इंटीग्रेटेड वॉशर्स मिल जाते हैं, साथ के साथ पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाता है, ड्राइव असिस्ट के लिए कैमरा वगैरह मिल जाता है, आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है। काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे एक टायर मिल जाता है, और इसकी जो टायर साइज है 255/60/R20, यानी 20 inches के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस इसके हेडलाइट के बारे में एक और फीचर बता दूं, जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फीचर है डिफेंडर में। अगर आप रात के टाइम पे अगर हेडलाइट्स को ऑन करके अपने स्टेरिंग को जिस साइड भी घुमाते हो ना, उसी साइड आपकी जो हेडलाइट है वो पूरी तरीके से घूम जाती है भाई। बाकी गाइस अगर हम लोग इसके डोर पैनल के बारे में बात करें, काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे ग्लासेस एरिया देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से एक पैसिव एंट्री मिल जाता है आपको यहाँ पे। सिंगल प्रेस में आप चाहो तो कार के डोर्स को अनलॉक और लॉक कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से हम लोग को ग्रैब हैंडल मिलता है जिससे इजीली हम लोग कार के डोर को ओपन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके बैक लुक की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो काफी मैसिव सा एक बड़ा सा आपको एक अलॉय व्हील के साथ टायर मिल जाता है। देखो ऑल टेरेन टायर, ऑल टेरेन टायर का फायदा यही है कि ये एक ऑफ रोडर कार है, तो आप चाहो तो इसको रोड पे भी भगा सकते हो, यानी 250 के स्पीड पे भी भगा लो और इसको वहां भी लेके चले जाओ जहाँ पे कोई रोड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस कार की यही सबसे बड़ी फीचर रहने वाली है। बैक लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से LED लाइट हम लोग को मिल जाता है, ये अपना रहने वाला इंटीग्रेटेड पार्किंग लाइट्स। यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग को पार्किंग कैमरा मिल जाता है, नीचे हम लोग को कुछ इस तरीके से 2 साइलेंसर देखने को मिल जाता है, काफी बड़ा बड़ा 2 एग्जॉस्ट मिल जाता है। अब अगर हम लोग इसके बूट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिंगल प्रेस में हमने इसके बूट को ओपन किया है। सो गाइस यहाँ पे एक मैं आपको काफी एक हाईलाइटेड फीचर बताने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 बटन आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ और ये देखो मैंने इसको प्रेस कर रखा है, तो कार जो है धीरे धीरे नीचे जा रही है। अब देखना इसके रीच को मैं कैसे इंक्रीज करता हूँ। ये देखो अब मैंने जैसे इसके बटन को प्रेस किया, ये देखो मैं धीरे धीरे ऊपर जाता दिखूंगा आप लोगों को। ये देखो भाई, तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे। ये देखो काफी ही ज्यादा इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। एयरमेटिक सस्पेंशन का कमाल है, ये देखो जैसे ही प्रेस किया इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती चली गई। फ्रंट से भी कार की जो हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो ये रहने वाला है डिफेंडर का कमाल। इतने ही दूर में काफी सारी चीजें मिल जाती है। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस कवर को हटाते हैं तो यहाँ पे देखो आपको रिंचेस वगैरह मिल जाते हैं, टोइंग हुक मिल जाता है, और यहाँ से सीट्स को चाहे तो हम लोग अनफोल्ड कर सकते हैं और इसके सीट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके डोर पैनल को देखे तो यहाँ पे कुछ तरीके से पॉकेट वगैरह मिल जाता है, और काफी रगेड और काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको इस डोर में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको
हालांकि भाई इसकी जो डोर है ना वो बहुत हेवी है, तो थोड़ा पावर तो आपको लगेगा ओपन करने में क्लोज करने में। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं कार के ड्राइविंग सीट पे, एंड भाई अब बात करने वाले इसके असली फीचर एंड फंक्शंस के बारे में। हालांकि बाहर से ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि एक रगेड प्रॉपर एसयूवी कार है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी तक सबसे बेस्ट ऑफ रोडर कार के नाम से जानी जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें फीचर फंक्शंस नहीं मिलते या फिर इंटीरियर में लग्जरीनेस नहीं मिलती है। तो चलिए अब इस चीज को दिखाते हैं कि इसकी इंटीरियर में कितने सारे फीचर फंक्शंस मिल जाते हैं, कितनी लग्जरी रहने वाली है कार अंदर से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट डोर के साथ। सो ये जो अपना ड्राइवर साइड का डोर है, यहाँ पे देखो लेदर स्टिचिंग मिल जाता है सबसे पहले, और ये अपना डोर का पूरा मेटल मिल जाता है ओरिजिनल मेटल। तो काफ़ी हार्ड रहने वाला है भाई, और काफ़ी हैवी फील होता है अपना ये डोर ओपन करने पे या फिर क्लोज करने पे। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं, मेमोरी सीट्स का फंक्शन मिल जाता है, मिरर एडजस्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक जैसे फंक्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, मेरिडियन का आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डिफेंडर का लोगो देखने को मिल जाएगा, एयर बैग का बैजिंग मिल जाएगा। हालांकि ये कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं रहने वाली है, पूरा ही एक बड़ा सा सर्कल राउंड शेप में आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे देखो क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा, इस साइड में आपको वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग पे ज्यादा बटन्स तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। हालांकि यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से वाइपर कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड मिलता है, लाइट कंट्रोल्स आपको राइट साइड में मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब गाइज हम लोग इसके सीट के बारे में बात करें, तो काफी कंफर्टेबल सा सीट रहने वाला है। डुअल टोन इंटीरियर के साथ ये कार आती है, यहाँ पे आपको ब्लैक और कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग लाइट ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग टैन कलर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है आपको, काफी सारे एडजस्टमेंट के फंक्शंस आपको यहाँ पे दोनों ही सीट्स में लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से मैं इजीली क्लाइम कर सकता हूँ। तो ये सारी छोटी मोटी फीचर फंक्शंस तो आपको सारी ही कार्स में देखने को मिल जाती है। सो ये लो भाई, मैं अभी उतर रहा हूँ डिफेंडर में से, डिफेंडर लैंड रोवर डिफेंडर, जो कि 2.5 करोड़ की कार रहने वाली है। और ये कहाँ पे आई है? ये आई है अपने कार स्पा पटना में, जो कि पटना की बेस्ट डिटेलिंग स्टोर है। किस चीज़ के लिए आई है? पीपीएफ होने के लिए आई है ये कार। तो काफ़ी महंगी और काफ़ी प्रीमियम कार है। अगर आप लोग को भी अपने कार पे किसी तरीके की डिटेलिंग या फिर मॉडिफिकेशन वर्क करवाना हो तो आप कार्स पर पटना आ सकते हो। बाकी गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल के थ्रू आते हो तो आपको एक 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से अपॉइंटमेंट बुक कर लो या फिर विजिट करो कार्स पर पटना। बाकी ये देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, और ये रहने वाला अपना फ्रीजर, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं हम लोग। ये देखो इसका फ्रीजिंग जो है वो अब ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक काफी बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, इसको छोटा स्पेस नहीं बोलेंगे, आप इसमें एक छोटा मोटा बोतल रख सकते हो या फिर कैन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे वायरलेस आपको फोन चार्जर मिल जाता है, साथ के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो काफी बड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है, चाहो तो यहाँ पे बड़े बड़े बोतल्स वगैरह रख सकते हो या फिर और भी कुछ रख सकते हो यहाँ पे। और लेदर फिनिश के साथ ये रहने वाला है सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बड़ा सा एक स्क्रीन मिल जाता है। डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो 4 AC वेंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफी तगड़ा सा स्पीकर मिल जाता है, साथ के साथ एयर बैग का बैजिंग मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देख पा रहे हो ग्लोव बॉक्स नीचे मिलता है, बट यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, चाहो तो यहाँ पे भी काफी सारे सामान को आप रख सकते हो। और इसको एक ग्रैब हैंडल के तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफी सारे आपको यहाँ पे लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं, काफी सारे बटन्स मिल जाते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सनरूफ के लिए कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, लाइट मिल जाता है, रीडिंग लाइट्स हम लोग बोल सकते हैं इसको, IRVM मिल जाता है, ऑटो डिमिंग फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे आपको IRVM देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से सनवाइजर मिल जाता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी आपको ग्लास एरिया देखने को मिल जाता है लाइट के साथ। वहीं आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी देखो तो यहाँ पे आपको छोटा सा लाइट और एक मिरर मिल जाता है, और ऊपर आपको छोटा छोटा 2 स्पीकर भी मिल जाता है, काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ कार के मिडिल रो में, और यहाँ पे आने के साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा कंफर्ट के बारे में एज यूजुअल। तो कंफर्ट तो काफी अच्छा मिल जाता है, हेडरूम भाई इतनी बड़ी एसयूवी है भाई, ये हेडरूम के बारे में बात ही क्या करिए। देखो यहाँ पे इतना सारा मुझे हेडरूम मिल जा रहा है, 6 फीट का हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देखो लेग रूम काफी अच्छा मिल जा रहा है, नी रूम मिल जा रहा है। अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ठीक है। आइसोफिक्स सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको रियर सीट्स पे भी। ये रहने वाला है अपना आर्म रेस्ट, इसको आर्म रेस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे 3 पैसेंजर्स इजिली बैठ सकते हो, तीनों पैसेंजर्स के लिए अपना स्पेशल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, यानी यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे कोई हम्प वगैरह नहीं है, और काफी बड़ी गाड़ी है भाई, तो स्पेसियस तो बहुत ज्यादा रहने वाला है। बाकी अगर हम लोग डोर पॉकेट के बारे में बात करें तो छोटा सा डोर पॉकेट मिलता है, लाइक यहाँ पे 1/2 लीटर का एक बोतल पड़ा हुआ है, और 2 स्पीकर यहाँ पे आपको डोर में देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से छोटा सा ग्रैब हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे आपको एक काफी बड़ा सा ग्रैब हैंडल बार मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल बार मिल जाता है। यानी क्या हो रहा है यार, एक बड़ी एसयूवी कार है भाई, और ये वहाँ भी जाती है जहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है भाई। सो गाइज ओवरऑल कंफर्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इस कार के इतने फीचर फंक्शंस है ना भाई, मैंने 2 बार वीडियो देख लिया भाई, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है भाई।
मतलब जितना बताते जाऊंगा ना भाई रात हो जाएगी, बट इसके फीचर फंक्शंस नहीं खत्म होने वाले, तो कुछ फीचर फंक्शंस अगर छूट रहे होंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वेल आज के लिए बस इतना ही, और कैसा लगा आप लोग को आज का ये रिव्यू, कैसी लगती आप लोग को डिफेंडर कार, आप लोग कमेंट करके बताना भाई। और मेरे हिसाब से डिफेंडर इज द बेस्ट SUV और जो कि वर्ल्ड में जानी जाती है अपने ऑफ रोडिंग कैपेसिटी के लिए। लाइक इस कार को अगर आप परचेज कर रहे हो, कोई भी ऑनर अगर इस कार को परचेज करता है तो उसके रगेडनेस के लिए करता है, जैसे कि मैंने आपको बाहर में भी बताया, इसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको और किसी कार में देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी उसकी तो बात ही नहीं करनी है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते किसी एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।